फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी, फ्राइडे है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, जैसे मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जो यहाँ के हेड है ना, उनका एक क्लिनिक है, अपना प्राइवेट क्लिनिक है, तो वो लीव पे जा रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि कुछ देर के लिए उनका क्लिनिक भी संभालना है। तो आज मैं वहाँ निकलूंगी यहाँ से। और ये फिर से, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, तो जैसे अगर घर तक जाने की बात है तो हॉस्पिटल की जो कैब वगैरह होती है, जो स्टाफ को छोड़ती है, जो जिसने कैब अरेंज की हुई है, तो वो तो जब भी छोड़ दे घर तक। लेकिन यहाँ मैं अगर दूसरे क्लिनिक जा रही तो मुझे ऑटो हायर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली स्कूटी नहीं आती तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो आज मैं जाऊँगी सर के क्लिनिक और मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी दिखाऊँ कि क्या कैसा है, क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट टाइम देखूंगी। मुझे गए हुए मतलब अराउंड 2 साल हुए होंगे जब मैंने सर का जो क्लिनिक था तब विजिट किया था। अब मैं फिर से जा रही हूँ 2 साल बाद, देखती हूँ कैसा कर रखा है और वहाँ हैंडल करूँगी सारी चीज़ें। मेरे लिए भी फिर से नई होंगी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ साथ में। और बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि जो मेरा लास्ट पेशेंट है वो हो चुका है। और बस अब चलते हैं और मैं यहाँ से अपना सामान उठा लेती हूँ। और हाँ, यहाँ से वहाँ, और हाँ यहाँ से वहाँ तक मेट्रो भी जाती है। लेकिन पता है क्या, मेट्रो है ना वो मतलब जो स्टेशन पड़ता है उसके आगे भी थोड़ा सा हमको फिर दोबारा से ऑटो हायर करना पड़ता, तो फिर वही है, मैंने सोचा यहीं से कर लेती हूँ कि यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाएगा, तो इसलिए मैं मेट्रो का ऑप्शन नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज है मेट्रो भी, लेकिन नहीं ले रही जब ऑटो सीधा मिलेगा तो, है ना। तो बस हम चलते हैं। एंड यस, उन्होंने वहाँ की चाबी दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो मेरे एप्रेन में ही रखी हुई, जिसे एप्रेन में डाल लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ है। तो भैया पैसे भी थे, पैसे मैं कैसे छोड़ के जा रही थी, पैसे भी थे, मैं सच में पता है मेरी इन हरकतों से मेरे हस्बैंड परेशान है, क्या नहीं मिली मैं एप्रेन में से पैसे निकले हैं वो भी 500 के नोट, मतलब बीच में कुछ करने के लिए मैं गई थी तो जैसे अप्रैल में रख लेते हैं ना, तो मुझे फिर याद ही नहीं रहा। अच्छा हुआ मैं बस चाबी ये वो पीजे सर की क्लिनिक की की है। और बस अब मैं चलती हूँ, पैसे रख लेती हूँ अपने 500। और अब बस मैं निकल रही हूँ, मेरी पेशेंट अभी रुकी हुई है। क्या हुआ खुशबू, अभी आए नहीं हस्बैंड? सर बस मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, रोड क्रॉस करना पड़ेगा, वहां से ऑटो हायर करना पड़ेगा, चलते हैं। जो सबसे मुश्किल काम था वो हो चुका है, ये वाला रोड क्रॉस करना, क्योंकि इससे पता बहुत ज्यादा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी, ये है ओरिगेंस का मुल्तानी मिट्टी पाउडर। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है ये। और अगर आपको याद हो 2 महीने पहले मुझे रिसीव हुआ था, मतलब 3-4 सामान रिसीव हुए थे और मैंने बोला था कि अगर इनका रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यस, इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पुराने टाइम के लोग हैं वो भी कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है आपके फेस के लिए, क्योंकि ये फुल ऑफ मिनरल्स होती है। और ये क्या क्या काम करती है, ये आपके लिए स्किन क्लिंजर का काम करता है, अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स है तो उनके अगेंस्ट काम करता है, आपके पोर साइज को रिड्यूस करता है, ब्लैक हेयर्स व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है तो उनको भी कम करता है, और बहुत ही अच्छा है। और इसका जो इसको यूज़ करने का तरीका तो बहुत ही आसान है, सिर्फ इसके अंदर पानी को मिक्स करना पड़ता है, पेस्ट बनाना पड़ता है, और वैसे इस पर लिखा हुआ है किस किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और ये अच्छा इसलिए भी क्योंकि मैंने ना कुछ कंपनीज़ के कंपैरिजन किया तो इसका रेट भी कम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फेस के लिए अगर लेना चाहते हैं मुल्तानी मिट्टी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर लेके देखें और इसको यूज़ करके देखें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रही हूँ, एक्चुअली पता है क्या है, मेरे फ़ोन में कब में जो स्पेस फुल हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं बार बार चेक नहीं करती हूँ। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, स्पेस फुल हो जाता है और रिकॉर्डिंग नहीं होती, अपने बीच में बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो लेकिन नहीं, रिकॉर्डिंग सही हो गई थी। यहाँ के ऑटो वाले भी ऐसे ही हैं, मैंने उनको बताया, एड्रेस बताया, तब भी बोलते कि यहाँ पर है,
उतार दिया। और पता है मैंने जब उतर के देखा, मैंने कहा ये तो जाने पहचाने जगह नहीं लग रही, पूछा एक दो लोगों से, वही है क्योंकि 2 साल हो गए हैं, टाइम तो लग ही जाता है। तो वो कह रहे थे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और देखो अब मुझे थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है। वही था अनजान जगह पे जाने में तो थोड़ा सा ऐसे तो लगता है, प्रॉपर पता ही नहीं होता, बस देखते हुए चल रही हूँ बस मैं। यहाँ पर मुझे स्कूटी की बहुत याद आ रही है, काश मुझे स्कूटी चलानी आती होती ना तो मुझे इतना सब सफ़र नहीं करना पड़ता। टाइम बाद आई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रही जगह, और ऐसे भी हो जाता है ना, एक ही जगह के दो दो एड्रेस हो जाते हैं। मैं उनको पूछ भी रही हूँ कि इस जगह जाना है इस वाले सेक्टर में, तो बोल रहे थे वो भी वही सेक्टर है, आगे भी वही सेक्टर है। और फ्रेंड्स मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, क्योंकि ये वाली जो जगह है ना ये मुझे याद थी कि जहाँ सरका क्लिनिक है उससे जो मेन रोड पर जाता है वहाँ पर एक पार्क पड़ जाता है, और इस पार्क में यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे मंकी मुझे दिखाई दिए थे। और फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, मतलब हाँ अब ये जगह देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये वही वाला रोड है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 5 मिनट लग गए, और बस अभी अंदर एंट्री लेने पर आ जाएगा सरका क्लिनिक। और हाँ मैंने एक लैंडमार्क अच्छे से देख लिया, क्योंकि जिस यहाँ पे मेट्रो पिलर्स बने हुए हैं ना तो मैंने मेट्रो पिलर नंबर देखा, क्योंकि वही है, अभी 2-3 दिन तो आना पड़ेगा। और हाँ आज ही लगता है मेरा वजन सारा कम हो जाएगा, ऐसे हो गई जैसे सुबह से कितना काम कर चुकी हूँ, बस यहाँ तक आने में ऐसी हालत हो गई है। एंड ये सी वाला जो एरिया है जैसे मैंने पीछे दिखाया ना बंदरों का सीन, ऐसे लग रहा है जो कि मतलब यहाँ बंदरों का ही एरिया ज़्यादा है, उस तरफ बहुत बैठे हुए थे बंदर। अभी तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, यहाँ ना ये वाला एरिया पॉश एरिया में आता है थोड़ा, तो ना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी ये वो, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और चलते जाइए। हम आ चुके हैं बस यहाँ पे, पुलिस स्टेशन है तो वो भी है, मुझे उससे भी अंदाज़ा रहता है पुलिस स्टेशन है पास में, और बस चल ही रहे हैं। यहाँ की सही लग रहा है, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे नहीं है भीड़ भाड़ वाली चीज़ें, बस सर का क्लिनिक नंबर देखना है। पहुंच चुकी हूँ अभी, यहाँ देखती हूँ स्विच बोर्ड वगैरह तक भी नहीं पता है, देखती हूँ लाइट्स ऑन करती हूँ। भैया ये लाइटें कहाँ से ऑन होंगी पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ से ऑन? सर का मंदिर। और कुछ चीजें बारे में देखती हूँ, पहले मैं पूजा कर लेती, क्योंकि पता है सर हमेशा ये कहते हैं पहले भी जब मैं आती थी कि मेरे क्लिनिक पर अगर जाती हो तो पूजा जरूर करनी है पहले। वैसे तो हर जगह ये होता है लेकिन वही है उनका मन होता है तो मैं करती हूँ, पहले पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद ढूंढते हुए मेन स्विच कहाँ है। फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मैंने अभी सर को कॉल किया था, क्योंकि जो वही है लाइट्स वगैरह ऑन होने का मेन स्विच ही नहीं मुझे दिख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप नई जगह पर आते बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस उनसे फ़ोन पे एक एक करके सारी चीज़ों के जो मशीन्स होते हैं उनके सब पूछे हैं, फाइनली लाइट्स ऑन हो गई हैं, फैन भी ऑन हो रहे, फैन की तो जरूरत नहीं है, जो मशीन है जिनसे हम काम करते हैं मोडालिटी सारी ऑन हो गई है। तो बस अब इंतजार रहेगा पेशेंट्स का कब आते हैं कैसे रहता है यहाँ का, क्योंकि जो सर का टाइमिंग था वो इवनिंग में था, बट मेरी वजह से उन्होंने ना जो टाइम है थोड़ा सा पहले कर दिया, क्योंकि ना वही है जैसे कि अब शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है तो वो फिर वही है, उनको पता भी मेरे पास स्कूटी वगैरह भी नहीं है, तो ये कह रहे थे कि जल्दी के टाइम में बैठ जाना, तो न्यू टाइम है ये यहाँ पर, ठीक है तो आज से चेंज हुआ है, देखते हैं क्या कैसा रहेगा। और बस पूजा भी हो चुकी है हमारी और बस बैठ जाते हैं। सर की मेन चेयर है उस पर तो मैं नहीं बैठने वाली, मेरी शुरू से आदत रही है उनकी जगह मैं नहीं बैठती हूँ, तो मैं साइड चेयर चुन लेती हूँ। तो पता है फ्रेंड्स मेरे इस व्लॉग को देखकर आपको कुछ सीखने को मिला, हर लड़की को स्कूटी चलानी जरूर आनी चाहिए, वरना देखो जैसे पता है क्या होता है, अगर हॉस्पिटल तक जाना है मुझे हॉस्पिटल से घर आना है तो ठीक रहता है, लेकिन अगर वहां से मुझे किसी काम के लिए निकलना पड़ जाए ना तो फिर ऐसे ही एडवेंचर होते हैं, फिर कभी कहीं ऑटो हायर कर रही हूँ, कभी
कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, कुछ मतलब इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। और स्कूटी सिखाने का पता है, जैसे आप लोगों ने बीच में बोला भी था सीख लो जल्दी आ जाती है, तो पता है क्या मतलब अब कई बार पता है क्या सोचती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। सोचती हूँ कि ठीक है हस्बैंड को बोलूंगी सिखाएंगे करेंगे, बट नहीं निकल पा रहा टाइम, देखते हैं। और लेकिन हाँ आई थिंक अब मेरी हालत को देख के ना जरूर सीखेंगे लड़के स्कूटी जिनको नहीं भी आती है। बहुत अच्छा रहता है यार, बड़ा अच्छा सा फील होता है जब आपकी स्कूटी चलानी आती है ना। मतलब मैं तो दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे तो उसमें अच्छा लगता है, कोई फीमेल अगर मुझे स्कूटी चलाती है मैं इनका हो मतलब ऐसा लगता है मुझे उससे कितनी बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि मुझे नहीं आती वो चीज़ है ना। और बस अब पेशेंट का वेट करते हैं, अभी खाली बैठी हूँ यहाँ पर, मुझे आधा घंटा हो गया है यहाँ पर, अभी तो कोई पेशेंट नहीं आया है, खाली बैठी हूँ। वेल ऐसे ही होता है जब टाइम चेंज होता है ना, थोड़ा देखो फर्क पड़ जाता है पेशेंट्स पे है ना। और वैसे भी सर के पेशेंट है, पता है क्या होता है हॉस्पिटल में ना, तो मुझे बड़ा ऐसे फील होता है कि हाँ भाई मैं ही मैं हूँ बस। और जब सर के क्लिनिक की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि सर का मतलब जो सर के पेशेंट्स है ना तो वो सर को ही विजिट करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, वो सोचते हैं कि जी हम तो उन्हीं से ट्रीटमेंट लेंगे, इस तरह का है सर का ना यहाँ पर इम्प्रेशन काफी अच्छा है। तो उनके एब्सेंस में बैठना ना मतलब ऐसे हो जाता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है यहाँ पर कि भाई हाँ मतलब फ्रेंड्स नई जगह नए नए हाथ से आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी पता है क्या, जैसे मैं जस्ट एक राउंड लेके मैंने सोचा थोड़ा सा इतने पेशेंट नहीं आते मोडालिटीज और एक बार अच्छे से चेक कर लेते हूँ, और जैसे मैं दोबारा बैठने के लिए हुई ना, ये यहाँ पर लगा हुआ है ना एयर कंडीशनर, वही है लगा हुआ और मतलब वही ज्यादा हाइट पे नहीं है, मैं जैसे आके जैसे बैठी एकदम मेरे सर में लगा ये वही। आज का दिन तो मेरा ऐसे ही जाने वाला है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है ना। फ्रेंड्स अब नंबर आता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। ये फर्स्ट कमेंट है व्लॉग्स विद नानू का, वो कहते हैं हाय भाभी जी आप और भैया सैंडी कैसे हैं और आपकी रेसिपी शेयर करने के लिए थैंक यू, तो मोस्ट वेलकम नानू जी। एंड देवांशी कहती हैं सच में वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम डियर। खुशबू शर्मा कहती हैं कि सैंडी सो क्यूट, मेरी मम्मी गंदा खाना नहीं बना सकती। बिल्कुल सभी बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी मम्मा उनको हमेशा ही अच्छी लगती है, उनके हाथ का खाना भी। संजना सचन बोलती है मेडिटेशन कितनी देर तक कर सकते हैं, तो संजना जी 10 मिनट का भी अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो वो भी सफिशियंट हो जाता है। नेक्स्ट है गौतम जी, वो कहते हैं हाई दी, हेलो गौतम जी। नेक्स्ट है सागर दोले, वो कहते हैं आपका नाम मोनिका है बताने के लिए थैंक यू। हाँ कुछ लोग पूछते भी हैं और शायद इस वीडियो में मैंने मोनिका नाम बताया था है ना। आर के जी गोस्वामी कहते हैं कि उनको कुछ पूछना है कि जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हर टाइम, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको गायनी को विजिट करना चाहिए। इसके बाद है नवदीप कौर, वो कहते हैं सैंडी अभी भी दूध बॉटल से पीता है तो नहीं, वो हैनी की बॉटल रखी थी। और ये सुखदेव जी कि हम तो स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ओके जी। सिलवंती जी कहती हैं कि नेट खत्म हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं देख पाई थी, कोई बात नहीं हमें तो पता है आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, मुझे पता है सिलवंती जी, कोई बात नहीं। जीनू जी कहती हैं कि हाय दी, हेलो जीनू जी। कृष्णा सेन कहती हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। सिमू राठौर बोलती हैं लव योर कुकिंग, तो हाँ इसके लिए मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपका वो सीन अच्छा लगता है जब आप कुछ भी कुक करते हैं। जसवीर अरोड़ा जी कहते हैं अगर आपका चकला स्टोन का है और जो बेलन है वुडन का है तो दोनों सेम होने चाहिए, ओके जी। वैसे मुझे इतना नहीं पता था बट बताने के लिए थैंक्स। एंड जो भरत विश्वकर्मा है वो कहते हैं कि ये हमारी न्यू सब्सक्राइबर आई थी कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और बेस्ट विशेस दे रहे हैं, तो थैंक यू भरत जी। फ्रेंड्स जितनी टाइम के लिए यहाँ बैठने के लिए बोला था ना सर ने, मुझे हो चुका है वो टाइम और अभी तक कोई भी पेशेंट नहीं आया है, तो आज का दिन तो मेरा फ्री गया है यहाँ पर। बट देखो होपफुली यहाँ मतलब सर का फोन आया था, उन्होंने जैसे बताया तो ऑब्वियसली जैसे कि टाइम चेंज हुआ है तो फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने बोल दिया था कि कुछ पेशेंट्स के उनके पास नंबर हैं तो उनको कॉन्टेक्ट करके वो टाइमिंग बता देंगे। और बाहर थोड़ा सा मैनेज करवाना, वो जो एकदम जल्दी में गए ना इमरजेंसी में तो बाहर टाइमिंग भी प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, मुझे बता रहे उन्होंने, तो बाहर भी थोड़ा सा मैनेजमेंट को कराएंगे, तो फिर देखो आज तो बट नहीं है ऑब्वियसली, मतलब जो उन्होंने टाइम चेंज किया है किसी को पता ही नहीं तो एकदम से कौन आएगा है ना। तो बस अब मैं निकल जाती हूँ और फ्रेंड्स अब बस मैं निकलने वाली हूँ, सारी स्विच ऑफ कर दी है, बट वही है ना नई नई जगह है, थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खुला ना रह जाए छूट ना जाए है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सर तो है नहीं, मुझे ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपनी तरफ से तैयार सब चेक कर लिया है मैंने, चलो ठीक है चलते हैं बाहर।
और फ्रेंड्स वही है, जैसे ऑटो से आई थी तो ऑटो से ही जाना भी पड़ेगा। और यहाँ पर वैसे इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सेक्टर एरिया हो जाता है तो उसमें बीच बीच में राउंड्स लगाते रहते हैं ऑटो, तो इजीली मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वरना मुझे लगा था पता नहीं अब यहाँ से वापस जाती बार कैसे होगा, ऐसे ना हो कि मतलब ईजीली ना मिले। तो मिल गया था ऑटो और बस अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मुझे जहाँ पर जैसे हम उतरते हैं तो वहाँ पर केमिस्ट्री शॉप भी पड़ती है घर से कुछ ही दूर पर, तो फिर वहाँ से मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी तो मैं बस वो ले रही हूँ। सब घर आकर मैं खाने की तैयारी करूंगी, मतलब खाना खाऊंगी, क्योंकि दीदी तो बना के रखती हैं। तो यहाँ पर सब्जी, आलू, गाजर, मटर, कढ़ी, सब्जी मैं पूरा पूरा खाती हूँ। मुझे मतलब एक बार का रोटी कम कर सकती हूँ लेकिन सब्जी नहीं, तो दोनों सब्जियाँ रख ली हैं। और यहाँ पर ये वाली मिठाई रखी है, ये आपको याद हो तो जब मैंने लास्ट बार प्लेट लगाई तब आप लोगों ने पूछा भी था कि वो क्या था, मतलब क्या था। तो एक्चुअली क्या है, जिस सकरात जब मम्मी ने मेरे साथ में भेजा था ना, तब मम्मी ने भेजा था ये ना, ऐसा है अंदर की स्टफिंग इसकी खाने में मीठी लगती है और बाहर से नमकीन लगता है, कुछ इस टाइप की है। तो इसको बिल्कुल मिठाई भी नहीं बोल सकती इसको, मतलब नाम मुझे नहीं पता। और रोटी ली है एक, क्योंकि ना मेरा वज़न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो सब्ज़ी तो खाने में मेरे पर नहीं होता कंट्रोल, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं ज़रूर खाती हूँ कटोरी भर के, और रोटी यहाँ पर इसीलिए एक ली है बस। फ्रेंड्स अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ, जैसे कि आपने देखा अभी मैंने खाना लगाया है, खाना खाऊंगी अकेले ही आज फिर खाना पड़ेगा, तो बस खाना खाऊंगी और बस यही व्लॉग का एंड कर देते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि आज का दिन कुछ ऐसा रहा था मेरा, ठीक है। और अभी मैं इसके एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि वही आने जाने का सीन रिकॉर्ड किया था, मतलब मैं कोशिश करूँगी इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, आपको आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।